अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार और दानेदार एप्पल जैम, जो कि आप खाएं तो बाज़ार का जैम भूल जाएं। तो आए अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इस एप्पल जैम बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्यारा सा पैन लिया है और इसके अंदर हमने आधा किलो एप्पल जो है हमने पील करके और इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं और पानी में भिगो दिए हैं। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, एक कप पानी लिया और उसके अंदर हमने एप्पल्स कट करके इस तरह से हम डालते गए। एप्पल्स को हमेशा पानी में ही डाल के कट करते हैं, वरना उसका रंग जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वही एक कप पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है और हम इसको हल्की आँच पर 30 मिनट तक पकाएँगे। तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है और हमारे एप्पल जो हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो व्यूवर्स, अब हम इसको पोटैटो मैशर से या आप ग्राइंडर से, आप जिस चीज़ से भी चाहें, इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप शुगर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे हल्की आँच पर, ताकि शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। तो व्यूवर्स, ये देखें चीनी मेल्ट हो गई है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। तो हम इसको हल्की आंच पे ही पकाएंगे तब तक कि ये अच्छे से थिक ना हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो व्यूवर्स, ये देखें ये थिक हो गया है। तो अब हम इसको एक सूखे हुए कांच के जार में स्टोर कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जैम कैसा बना। तो बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने ये जैम तैयार कर लिया है। तो मैं आपको मैंगो जैम की भी रेसिपी शेयर कर दूँगी, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा एप्पल जैम रेडी हो गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर बिल्कुल बाजारी जैम जैसा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट। अल्लाह हाफिज़।